असलकम डर स्टूडेंट्स टोडे वी आर गोइंग स्टार्ट पोलिटिकल साइंस ऑफ क्लास नाइन्थ चैप्टर वन दैट इज वाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोकेसी डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ती है सो अवर टॉपिक इज टोडे वट इज डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी क्या है सो लेट स्टार्ट सो बिफोर डेमोकेसी एज यू नो अरे बडी हैव सम एक्वेंटेंस विद दिस वर्ल्ड हर कोई बंदा इसको जानता है इसने सुना होता है और इसके बारे में जो मशहूर दो चीज़ें हैं वन इज़ अ डेफिनीशन एंड सेकंड वन इज़ अबाउट इट्स एटामोलॉजी कि ये इसकी डेफिनेशन है क्या है जो अब्राहम लिंकन ने दी है डेट इज़ डेमोक्रेसी इज़ गमेंट ऑफ द पीपुल बाई द पीपुल एंड फार दीपल डेमोक्रेसी उस गोरमेंट को कहते हैं विच इज़ ऑफ द पीपल जो लोगों की है बाई द पीपल लोगों से है एंड फार दीपुल लोगों के लिए है उस तर्ज हुकूमत को जो लोगों की है लोगों से है और लोगों के लिए है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं जैसे कि इब्राहिम लिकन ने बोला है नंबर टू द डेमोक्रेसी कम्स फ्राम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया एटामोलॉजिकली ये वर्ड ग्रीक से आया है ग्रीक वर्ड इसका जो है डेमोक्रेशिया

डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है हम क्यों हम आप चाहेंगे कि इसको आज सरे नौ हम डिफाइन करें लेकिन पहले हम देखेंगे कि जो हमने पहले दो दो चीज़ों का जिक्र किया इनको हम केस वन और केस टू में डिस्कस करेंगे हम नंबर वन हमने डेफिनेशन डिस्कस की अब्राहम लिंकन की दिस डेफिनेशन इज इज़ वेरी ब्यूटिफुल खूबसूरत डेफिनेशन है नो डाउट अबाउट इट बट वी डोंट नो इफ दिस डेफिनेशन इज़ द बेस्ट वे आफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवर सेल्बस मगर हमें ये नहीं पता कि ये बेहतरीन तरीका है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का जब तक ने हम इस पर खुद सोच विचार करें जब हम इस पर खुद ना सोचें वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस और everyone accepts it। हमें किसी चीज़ को ऐसे ही तस्लीम नहीं करना चाहिए जब कि वो जी वो मशहूर है या हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है हर किसी हर कोई बंदा इसको मानता है इन इन बुनियादों पर हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं नंबर वन केस वन

A words word same, but their meaning can change with time. Words तो वही रह, रहते हैं लेकिन उनके जो माने हैं वो तब्दील होते हैं वक्त के साथ साथ इसकी अगर मैं मिसाल भी दूंगा जो कंप्यूटर वर्ड है कंप्यूटर आया था वर्ड फॉर कैलकुलेशन लोग जमा करने के लिए लेकिन आज के आज कल का जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ कैलकुलेशन तक मदद नहीं रहता है उसमें हम राइटिंग भी करते हैं डिज़ाइनिंग करते हैं उस पर हम सुनते भी हैं उसके उस पर हम वीडियोस भी वॉच करते हैं सो हम उसे बहुत सारे काम लेते हैं इन इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ऑफ वर्ड्स इस सूरत हाल में ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा कि हम लोगों के औरजिन तक ही महदूद रहें जो वर्ड कहाँ से निकलें उन्हीं तक मौदूद रहें सो so, हमने क्या सीखा नंबर वन कि हम डेफिनेशन किसी ऐसे डेफिनेशन किसी को एक्सपेप्ट अच्छा नहीं कर सकते हैं जब तक हम उस पर खुद सोच विचार करें नंबर टू हम ओरिजिन पर महदूद नहीं रह सकते हैं क्योंकि वर्ड्स के जो मीनिंग है विद पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होते रहते हैं सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इट नाउ वी विल स्टार्ट विद सिंपल डेफिनेशन दैट इज डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर एलेक्ट बाय द पीपल डेमोक्रेसी हुकूमत की वो तर्ज है जिसमें हुक्मरान लोग मंतखब करते हैं लोग चुनते हैं उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं मगर ये डेफिनेशन अलउ सेपरेट डेमोक्रेसी फ्राम फार्मस ऑफ गवर्नमेंट डेट आर नॉन डेमोक्रेटिक एंड विच आर डेमोक्रेटिक ये जो डेफिनेशन है इसका मैंने ज़िक्र किया ये हमें अलग करता है कि कौन सी हुकूमत डेमोक्रेटिक है और कौन सी हुकूमत नॉन डेमोक्रेटिक है ये अलग अलग करता है फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी रूलर्स ऑफ म्यन्मार डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे इन चिली आर नॉट एलिट बाई पीपल फॉर एग्जाम्पल जो म्यांमार में जो फौजी हुकुमरान थे या जो आमिरना आम्य, हुकूमत करते थे लाइक uh, पिनोशे like था चिली में वो भी मंतख नहीं होते थे इट मीनस वो दे आर नॉट डेमोक्रेसी क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन के हिसाब से वो इलेक्ट नहीं होते थे जो आर्मी रूल इलेक्ट मत होते हैं और जो डिक्टेटर्स होते हैं जो तानाशाह होते हैं जो एबसलूट रूलर्स होते हैं वो भी नहीं होते सो दे वर नॉट डेमोक्रेसी इसी तरह से दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज जो बादशाहते होती हैं उन पर भी ये डेफिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं द किंगस इन सऊदी अरबिया रूल नॉट बिकॉज पीपल हैव चोजन देम टू डू सो बट दे आर बोर्न इन द रॉयल फैमिली जो बादशाह हैं सऊदी अरब में वो हुकूमत नहीं करते हैं कि लोगों ने उनको मंतकम किया हो लेकिन वो क्यों हुकूमत करते हैं बिकॉज दे आर बोर्न ए रॉयल फैमिली क्योंकि वो शाही खानदान में जन्म लेते हैं वो बादशाही खानदान में जन्म लेते हैं इस वजह से वो हुकूमत करते हैं फाइन। अब हम देखेंगे ये डेफिनेशन किस हद तक ठीक है दिस डेफिनेशन इज नॉट एडवोकेट ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी नहीं है ये मुनासिब नहीं है इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल हमें याद दहानी करता है कि डेमोक्रेसी लोगों की हुकूमत का नाम है बट वी कैन एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन एलेक्शन एट डेमोक्रेसी मगर इसे हम हमारा रुझान इस तरफ जाएगा कि हम हर किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहेंगे जहाँ पर थोड़ी बहुत इलेक्शन होती हो दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट कड बी मिसलीडिंग इससे इसे आ, हम गलत ख्याल और हम गलत राय कायम कर सकते हैं वी नीड टू बी केयरफुल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ए गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन टू बी वन हमें मोहतात रहना होगा हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी हमें फ़र्क करनी पड़ेगी कि कौन सी हुकूमत वाकई डेमोक्रेसी है और कौन सी हुकूमत जो झूठा दावा करती है डेमोक्रेसी होने की क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेमोक्रेसी बहुत सारे जो हुकूमतें हैं वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं वो फॉर एग्जांपल चाइना का नाम ही है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीना वहाँ पर भी कुछ वहाँ पर इलेक्शन का मसला है वहाँ पर भी अलेक्शन होते हैं वहाँ पर लीडर्स अलेक्ट होते हैं लेकिन क्या हम उसको भी जमहूरियत कहेंगे और यहाँ पर भी इलेक्शन होती है इंडिया में भी इलेक्शन होती है क्या इनका हम मुजन कर सकते हैं सो so हमें इन चीज़ों में फ़र्क करनी पड़ेगी कि कौन सी जमूरीत है इलेक्शन होने के बावजूद भी इन चीज़ों so हम, हम, को हमें समझना है वी कैन डू सो बाई अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली हम जो डेफिनेशन हम आपको मैंने बताई द डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर एलेक्टेड बाई द पीपल इसको इसके हर लफ्ज़ को हमें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा एंड स्पेलिंग आउट द फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी खसूसियत होनी चाहिए किसी भी जमूरी गवर्नमेंट में जमूरी हुकूमत जो हो उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए कौन कौन सी खूसियत होनी चाहिए ताकि हम इसको जमहूरियत कहलाएं सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेसन दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच